महाराजा श्री अग्रसेन की 5137वीं जयंती के अवसर पर मनाए जा रहे श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव के अंतर्गत शनिवार दोपहर ब्लू केसल स्थित गोयल धर्मशाला से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के साथ ऊंट, घोड़े और ध्वजाएं लिए सैकड़ों अग्रबंधु बैंडबाजों की स्वर लहरियों के बीच स्थानीय मार्गों से होकर अग्रसेन नगर पर पहुंचे। जुलूस में खासतौर से सजाए गए महाराजा अग्रसेन के रथ के साथ दिल्ली से आए कलाकारों द्वारा भगवान गणेश, शिव पार्वती, राधा कृष्ण, अंबे माता, राम दरबार, सिंदूरी हनुमान और लक्ष्मी जी की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रही। इससे पूर्व शुक्रवार रात को अग्रवाल पाठशाला प्रांगण में आयोजित अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन में देश के जाने माने कवियों ने हास्य, व्यंग, देशभक्ति, ओज और शौर्य से भरपूर कविताएं सुनाकर देर रात तक श्रोताओं को गुदगुदाया। कार्यक्रम में कानपुर के सुरेश अवस्थी, चित्तौड़गढ़ के रमेश शर्मा, फरीदाबाद के सरदार मनजीत सिंह, दिल्ली के गजेंद्र सिंह सोलंकी, अना दहलवी और भीलवाड़ा के दीपक पारिक ने एक से बढ़कर एक कविताओं का पाठ कर श्रोताओं को बांधे रखा। कवि सम्मेलन का संचालन अजमेर के हास्य कवि रास बिहारी गौड़ ने किया। कवि सम्मेलन के दौरान अग्रवाल समाज के सैकड़ों महिला पुरुषों ने अपनी मौजूदगी से उपस्थित कवियों में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जोश का संचार किया। बुलेटिन के आखिर में दर्शक देख सकेंगे कवि सम्मेलन की खास झलकियां। बेटा पास में बैठा था, बोला पापा क्या लिख रहे हो? लिखने की क्या जरूरत है, आप तो वैसे ही दिख रहे हो। हर चीज ऐसे में से हो रही है साहब, क्या करो आप। मेरे एक दोस्त की शादी, एक के पिताजी मर गए, मैंने दोनों को एसएमएस कर दिया। शादी का भी एसएमएस होता है, पिताजी मर गए उसका भी एसएमएस होता है। गड़बड़ हुई कि गलत जगह पहुंच गया। जिसके पिताजी मरे थे उसको बधाई, और जिसकी शादी हुई थी उसको संवेदना। मजा तो तब आया जब दोनों ने धन्यवाद लिख के वापस कर दिया। समय बदल गया साहब, हमारे एसएमएस, मोबाइल, ये सारी सूचना क्रांति शायद चमत्कार कर रही है, और इन चमत्कारों से केवल कविता लड़ रही है। आइए मैं इस क्रम को आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि हम इस बात के खिलाफ नहीं है कि हम आसमान छुएं। परिंदा कितना उड़े आकाश, दाना है धरती के पास। धरती और जड़ अगर जिंदा है तो हमारा विशाल वट वृक्ष भी हमें प्रिय लगता है। धरती सूख गई तो कोई कितनी ही बड़ी बिल्डिंग बना ले, कोई कितना ही बड़ा पेड़ उगा ले, उसका कोई अर्थ नहीं होता, वो कभी छांव नहीं दे सकती। धरती की बात, माटी की बात किसमें की जा सकती है? कविता की वो विधा जो माटी को बुनती है, कविता की वो विधा जो धरती की धड़कन को बुनती है, कविता की वो विधा जो आपके मेरे संस्कारों में खून बनकर जब पैदा हो गई थी, जब हमारी मम्मी हमें लोरियां सुना रही थी, जब पैदा हो गई थी, जब हमारे घरों में रामायण पाठ हो रहा था, गीता हो रही थी। गीत कविता की सबसे शाश्वत विधा है, और गीत अगर माटी का हो, गीत अगर धड़कन का हो, गीत अगर प्रेम मनोहार का हो, तो उसे रमेश शर्मा गाते हैं। मैं बुला रहा हूं आपकी जोरदार तालियों के बीच आपके प्यारे लाडले गीतकार को, एक निवेदन के साथ, केवल 2 मिनट उनको दे देना। अगर उनसे मन से आपके तार जुड़ गए तो मेरा दावा है आपसे वो आधा घंटा अपने आप ले लेंगे। 4 पंक्तियां मैं आपके संस्कारों को, मैं मालूम है कि अग्रवाल सभा के, अग्रवाल वंशज के, अग्रसेन के अनुयायियों के परिवार में क्या संस्कार जिए जाते हैं। मैं तो महाराजा अग्रसेन जी के लिए एक ही बात कहता हूं, अग्रसेन का सीधा सा अर्थ है अग्र माने आगे और सेन माने सेना। देश में संकट हो, जो अपनी सेना लेके सबसे आगे खड़ा हो जाए देश की रक्षा में, वो अग्रसेन हो सकता है। और अग्रवाल शब्द की परिभाषा तो मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिला के करता हूं। परिभाषा आपको अच्छी लगे, सच्ची लगे, नहीं लगे, तो एक बार भी पीछे तक तालियां उठे। अग्रवाल का मतलब होता है अग्र माने आगे, वाल माने दीवार। बात कहां तक पहुंचनी चाहिए मैं वो कहने की कोशिश करता हूं, आप तक भी पहुंच जाए तो फिर आपको क्या करना है, आप समर्थन देना कि रू से रू रूबरू नहीं होती, फूल होते हैं खुशबू नहीं होती। रू से रू रूबरू नहीं होती, फूल होते हैं खुशबू नहीं होती। वो घर घर नहीं जंगल है जिसमें बेटी या बहू नहीं होती, जिसमें बेटी या बहू नहीं होती। लेकिन साहब स्थितियां तो कुछ बदली हैं। अभी हमारे रास बिहारी जी तमाम बच्चों पे लंबी लंबी बातें कह गए, मुझे ऐसा लगता है शायद इन्होंने जितनी बातें कही हैं वो सब अजमेर के बच्चों की हूं। लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चे कहीं क्यों, चाहे कानपुर क्यों, चाहे अजमेर, सही बात, बच्चे एक जैसे। 21वीं सदी में तो बच्चे पैदा ही नहीं होते,
डायरेक्ट बाप, इंटरनेट टेलीविजन ने उन्हें इतना बड़ा बना दिया। अभी पिछले दिनों जब ताज होटल पर आतंकी हमला हुआ, हमारे यहां अध्यापक ने कक्षा में बच्चों से कहा, बच्चों भगवान से प्रार्थना करो कि अब देश में कहीं आतंकी हमला ना हो, और बच्चों तुम लोग इसलिए प्रार्थना करो क्योंकि भगवान बच्चों की जल्दी सुनते हैं। तो एक बच्चा उठ के खड़ा हो गया, बोले मास्टर जी बकवास मत करिए, अगर भगवान बच्चों की जल्दी सुनते होते तो आप कब के निपट गए होते। तब पता चला कि मामला कहां जा रहा है। एक 7-8 साल का मेरा बेटा कंप्यूटर पर बढ़िया सवाल हल किया, तो मैंने उसकी पीठ थपथपाई, हमने शाबाश बेटे, तू देखने में बेवकूफ लगता लेकिन है नहीं। उसने तुरंत मुझे निपटाया, बोले पापा मुझमें आप में यही तो फर्क है। आधा घंटे शीशे के सामने खड़ा रहा, तब पता चला वो क्या कह रहा। तो मैंने उसको डांटा, जो उसने जवाब दिया, मैंने बच्चों को डांटना बंद कर दिया। 21वीं सदी के बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, हमने डांटा तो हमने भुगता। हमने अपने बेटे को गुस्से में गधा नहीं, इडियट नॉनसेंस गधे नहीं कहना चाहिए, जवाब मिल जाता तो लाजवाब हो जाते, लेकिन हमने डांटा तो हमने भुगता। हमने अपने बेटे को गुस्से में गधा कह के बुलाया तो बेटे का दिमाग भन्नाया, बोला पापा आप अपनी औकात में वहा करें, हमें गधा नहीं गधे की औलाद कहा करें। वो उसने मुहावरा ठीक किया। पत्नी से झगड़े के बाद हमने अपने बेटे की पीठ थपथपाई, उसके हाथ में ठंडी टिकाई, मैंने शाबाश बेटे, जब भी तेरी मम्मी से मेरा झगड़ा होता है मुझे तुझ पे नाज है कि तू हमेशा मेरे पक्ष में खड़ा होता है। बेवफाई के हर एक दाग को धो जाऊंगी, बेवफाई के हर एक दाग को धो जाऊंगी, और वफादारी का आईना मैं हो जाऊंगी, और वफादारी का आईना मैं हो जाऊंगी। ए वतन मैं तेरी बेटी हूँ चहेती बेटी, ए वतन मैं तेरी बेटी हूँ चहेती बेटी, एक दिन तेरी जमी ओढ़ के सो जाऊंगी। और चार पंक्तियां इसी मन से सुन लें। हमारे मंच पर बहुत अच्छा और बहुत बड़ा नाम वीरस का, जो बहुत ही मेरे प्यारे मित्र हैं, भोले मित्र हैं, उनको समर्पित करते हुए आप तक पहुंचाती हूं। और एक एक शख्स की तालियां मुझे इसलिए चाहिए कि आखिरी पंक्ति आपके दिल को छू जाए, तो आखिरी पंक्ति पे हाथ उठाकर मुझे तालियां देना। सुनेगा किरण देना सुमन देना चमन देना नदन देना, किरण देना सुमन देना चमन देना नदन देना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना, अनादि में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अनादि है तो इतनी है, अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। मैं गीत शुरू करता हूं। वो शहर में उसे लेने आया है, उसे मना रहा है कि मेरे गांव चल, मेरे गांव में तेरे शहर से क्या अच्छा है, देखें आप। प्रिय गांव मेरे तू चल, तेरे शहर में क्या धरा है, प्रिय गांव मेरे तू चल, तेरे शहर में क्या धरा है, वहां बोली में है शहद, यहां बोतलों में भरा है, प्रिय गांव मेरे तू चल। वो बरसात के बहाने समझाता उसे, आई थी बरसात जो उस दिन तेज हवाओं वाली, आंगन में ही छूट गए थे लोटा चिमटा थाली,
आई थी बरसात जो उस दिन तेज हवाओं वाली, आंगन में ही छूट गए थे लोटा चिमटा थाली, दौड़ के तूने बड़े चाव से रखा था जो छत पर, दिन भर झूम के बरसा फिर भी तेरा बर्तन खाली, मेरा सीढ़ीदार कुआं, मेरा सीढ़ीदार कुआं आके मुंह तक भरा है, प्रिय गांव मेरे तू चल। गांव की हरियाली और शहर की हरियाली, ना भंवरे ना पवन झकोरे ना तितली ही आती, गमलों में तू फूल खिलाए कैसा सावन लाती, ना भंवरे ना पवन झकोरे ना तितली ही आती, गमलों में तू फूल खिलाए कैसा सावन लाती, तेरी नरम मुलायम मिट्टी हो न सकी उपजाऊ, गांव के मंदिर पीपल फूटा छेद दीवार की छाती, जहां बंधती है मेरी गाय, जहां बंधती है मेरी गाय वो ऊंट तक भी हरा है, गांव मेरे तू चल, तेरे शहर में क्या धरा है। गांव की लड़कियां प्रेम किस तरह करती है वो बताता है उसे, पीपल पत्थर पूजे मांगे अच्छे वर की मनौती, भोली लड़कियां देवलोक को दे देती है चुनौती। गांव की लड़कियां पीपल पत्थर पूजे मांगे अच्छे वर की मनौती, भोली लड़कियां देवलोक को दे देती है चुनौती। और शांति अहिंसा के हथियारों को नमन और क्रांति के गगन के सितारों को नमन है, तो आजादी की टोली के कहारों को नमन और लाला जी के सीने के प्रहारों को नमन है, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है जी, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है। और हमको उजाला देने के लिए जो बुझे उन दीपकों की पावन कतारों को नमन है, और मातृवंदना के गीत गाते गाते चूम लिए उन फांसी वाले पुण्य हारों को नमन है, तो बलिदानी स्वरों की पुकारों को नमन और कोल्हुओं से बही तेल धारों को नमन है, और क्रांतिकारियों ने जहां लिखा वंदे मातरम सेल्युलर जेल की दीवारों को नमन है जी, काला पानी जेल की दीवारों को नमन है। एक छंद और कहना चाहता हूं दोस्तों इस क्रम में, कि लुटता हुआ वतन देखकर खोले नहीं सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की। पिछले 3-4 वर्षों में जो कुछ हुआ हमारे सामने आपके सामने है, अगर मैं ऐसा सोचूं कि इतिहास में ऐसा कभी हिंदुस्तान को नहीं लूटा गया होगा, शायद अंग्रेजों ने भी नहीं लूटा हो, तो आप इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, तब कहना चाहता हूं कि लुटता हुआ वतन देखकर खोले नहीं सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की, और स्वार्थों की चौसर पे हारती ही जा रही जो स्वाभिमान शून्य जिंदगानी किस काम की, तो जिसमें न त्याग देश प्रेम न ही बलिदान सोचो जिंदगी की वो कहानी किस काम की, और कर्ज निज माटी का चुकाए भी न ढल जाए दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की जी, दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की जी। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जिसने आवाज उठाई उसकी आवाज को आप जानते हैं, स्वामी रामदेव जी ने रामलीला मैदान में आंदोलन किया, उसके बाद आप जानते हैं 4 जून को वहां पर क्रैकडाउन हुआ, बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी उन्होंने कपड़े बदल के गलत किया, वो निकल गए भाग गए डर गए ये सब कुछ, लेकिन मैंने उस पर 2 छंद लिखे थे, शायद पहली बार आपके बीच में आया तो सुना देता हूं आपको, कि इतिहास के पन्नों में पौराणिक प्रसंगों में बहुत सारे ऐसी स्थितियां हैं कि धर्म संस्कृति का अगर जो युद्ध चल रहा हो तो हमारे महापुरुषों ने अनेक प्रकार से वेश परिवर्तन करके उस प्रवाह को उस युद्ध को आगे बढ़ाया है। 2 छंद आपके बीच में रखता हूं और देखना चाहता हूं आपका उसके साथ कितना जुड़ाव है, कि अत्याचारी कीचक के प्राण हरने के लिए भीम को भी नारी वाला रूप धरना पड़ा। वाह वाह, बात पहुंचे तो आपके समर्थन मिलना चाहिए, जो बात तर्कपूर्ण बात कर रहा हूं और एक एक हाथ खुलना चाहिए, कि अत्याचारी कीचक के प्राण हरने के लिए भीम को भी नारी वाला रूप धरना पड़ा, और भस्मासुर से शिव को बचाने हेतु विष्णु को सुंदरी स्वरूप धरना पड़ा,
तो अमृत कलश नहीं असुरों के हाथ लगे, हरि को भी मोहनी का रूप धरना पड़ा। और राष्ट्रीय अभियान में न आए व्यवधान, स्वामी जी को नारी का स्वरूप धरना पड़ा जी। और एक छंद और इसी क्रम में देता हूं कि राणा जी प्रताप, आप जानते हैं घास की रोटियां खाना स्वीकार किया स्वाभिमान के लिए, तब कहना चाहता हूं कि राणा जी प्रताप शिवा शेखर भगत कहे छद्म युद्ध नीति का विधान मजबूरी है। और नेताजी सुभाष वेश बदल विदेश गए, उन बिन आजादी की कहानी अधूरी है। तो योगी राज कृष्ण को भी रण छोड़ कहा गया, पांडव अज्ञातवास रहा मजबूरी है। और अत्याचारी भ्रष्टाचारियों से अगर युद्ध हो तो जंग जीतने के लिए जीना भी जरूरी है जी, जंग जीतने के लिए। और दोस्तों आजकल पूरा देश में, हिंदुस्तान में जो हम देख रहे हैं एक लहर चल रही है, आप किसी भी जाति पंथ के हो सकते हैं, किसी विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन उस एक लहर को एक छंद के माध्यम से आपके मन तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आप मेरा समर्थन करें तो ठीक है, नहीं भी करेंगे तो मैं ऐसा मानूंगा कि आपके हृदय में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान धड़क रहा है। एक छंद कहना चाहता हूं उस व्यक्तित्व को जिसके चारों ओर हिंदुस्तान की आशाएं इकट्ठी हो गई हैं, उनको एक छंद के माध्यम से याद करता हूं कि देश धर्म संस्कृति की जो रक्षा चाहते हो, युवाओं को शास्त्र संग शस्त्र का भी ज्ञान दो। हाथ खोल कर रखेगा, अगर समर्थन करें तो भरपूर करिएगा, नहीं तो शांत रहेगा। कि देश धर्म संस्कृति की जो रक्षा चाहते हो, युवाओं को शास्त्र संग शस्त्र का भी ज्ञान दो। और जय जवान जय किसान और जय विज्ञान संग गीत वंदे मातरम वाला दिव्य गान दो। तो शेखर भगत सुखदेव और राजगुरु नेताजी सुभाष ऐसा क्रांति आह्वान दो। और चाहते जो भारत से भ्रष्टाचारियों का नाश, एक बार मोदी जी को देश के कमान दो जी। मैं समझ गया जिनके हाथ खामोश है वो क्या चाहते हैं। वंस मोर की क्या गारंटी दोबारा समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं एक बार फिर पढ़ देता हूं, जिनके हाथ खामोश रह गए मैं चाहता हूं उनके हाथ खुले, क्योंकि ये किसी जाति मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात से ऊपर बात है कि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सामने है आज जिसपे पूरा पूरी दुनिया की नजरें हैं, गूगल पे भी सर्च में सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, तो सामान्य बात नहीं है। तब कहना चाहता हूं कि देश धर्म संस्कृति की जो रक्षा चाहते हो, युवाओं को शास्त्र संग शस्त्र का भी ज्ञान दो। और जय जवान जय किसान और जय विज्ञान संग गीत वंदे मातरम वाला दिव्य गान दो। तो शेखर भगत सुखदेव और राजगुरु नेताजी सुभाष जैसा क्रांति आह्वान दो। और आपका समर्थन मिले कि नेताजी सुभाष जैसा क्रांति आह्वान दो। और चाहते जो भारत से भ्रष्टाचारियों का नाश, एक बार मोदी जी को देश की कमान दो जी। बहुत बहुत धन्यवाद।